सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको हम भूला नहीं कहते वेलकम टू अभियान आई एस एकेडमी अभियान आई एस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मैं शिरोजीत भट्टाचार्य आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ वेक्टर, जो आपके क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में तो है ही साथ में आपके एन डी ए मेन्स एडवांस और भी इस तरह के तमाम कॉम्पिटिशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है मैं एकदम बेसिक जीरो लेवल से शुरू करूंगा देखिए क्या है वेक्टर स्केलर में क्या अंतर है पहले समझते हैं इस बात को वेक्टर मतलब क्या है क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और स्केलर मतलब होता है क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड ऐसे मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस है ये 18 किलोमीटर है लेकिन किस डायरेक्शन में है ये क्लियर नहीं है डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ वेट पर्टिकुलर डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन लेकिन बाकी जो स्पीड टाइम एरिया ये सब का कोई डायरेक्शन नहीं होता है जिसमें आपको वेट या इस तरह सोच सकते हैं वेट हो चाहे कुछ भी हो जिसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और जिसका साथ में मैग्नीट्यूड के साथ आप बोल सकते हो जिसका डायरेक्शन भी इंक्लूड हुआ तो वो वेक्टर हुआ और शो करने का तरीका क्या होता है एरो लगा देते हैं हम क्या करते हैं जैसे ए वेक्टर लिखा तो एक एरो लगा दिए शो करने का तरीका हुआ और स्केलर में क्या होता है ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ ए लिखा जाएगा क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही होता है लेकिन डायरेक्शन सिर्फ 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 इसमें होता है वेक्टर में होता है ये यह कहानी यहाँ से शुरू होती है सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स वाई जेड भी क्या है देखिए जैसे आप लिखते हैं हमारे पास एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस उसी में हम आई जे के भी डाल, डाल सकते हैं आई जे के डाल सकते हैं खैर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है आर वेक्टर होता है एक्स आई आप इसको ए बी सी भी कर सकते हो कंफ्यूजन ना हो एक्स आई वाई जे और जेड के होगा एक्स वाई जेड क्या होगा डायरेक्शन रेशियो है क्या है डायरेक्शन रेशियो है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब उस वेक्टर की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड मतलब जो कॉन्स्टेंट होता है उसको लेके करेंगे जैसे मान लीजिए आर बराबर टू आई प्लस थ्री आई प्लस सिक्स आई कुछ भी ले लो सिक्स के ले लो तो मॉडुलस हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर यह आएगा चार प्लस नौ प्लस छत्तीस चार प्लस नौ प्लस छत्तीस ये आएगा उनचास वैल्यू कितनी मेरे पास आएगी सात ठीक है यह आएंगे अंदर कितना आएगा सात ये होता है हमारे पास आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू थोड़ा आगे बात करते हैं धीरे धीरे अब देखो ये तो हो गया हमारे पास आर की बात हम आप लोगों ने कर ली अब बात करेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर पहला बात कर रहे हैं जीरो एंड नल वेक्टर जीरो एंड नल वेक्टर को इस तरह बोलेंगे जिस पॉइंट से वो शुरू होता है उसी पॉइंट में वो खत्म हो गया नहीं तो मतलब सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको हम भूला नहीं कहते देखिए ए ए बी बी मान लीजिए आप ऐसा कुछ बनाते हैं कि यहां से निकला ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है फिर ये सी पॉइंट है मतलब इधर गया इधर गया फिर वापस आ गया तो ये जो घूम के आ गया इसको हम बोलेंगे जीरो या वेक्टर आप खुद सोचो इस तरह समझोगे कि कहीं से अगर आप गए अपने घर से मान लीजिए स्कूल गए कॉलेज गए कहीं पे गए किसी रिलेशन के यहाँ गए तो आप जब जाते हो आपने ऑटो वाले से बोला कि बैठाओ तो आपको एक हमारे पास रे, रेट फिक्स हुआ कि चलो भाई ये किस डायरेक्शन में जाना है डायरेक्शन हुआ तो रेट हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपका हो गया ये वैक्टर हो गया मान लीजिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये सोच सकते हैं आप वहां से बैठा के वापस लेके आते हो जब आप उसको लेके आते हो तो सामने वाला को अपने घर में वापस ले आते हो तो टेक्निकली आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जीरो तो आप अगर थोड़ी बोलोगे पैसा नहीं देंगे क्यों तो हम तो डिस्प्लेसमेंट किए नहीं है अगर ऐसा बोलोगे तो बेसिकली हुआ क्या नल वेक्टर क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था वहीं से पर ल, आप खत्म बट ऐसा बोलोगे तो सामने वाला आपको आपसे झगड़ा करेगा क्यों भाई आपका जो मान लीजिए सौ रुपए जाने का सौ रुपए आने दोनों लेगा हमारे पास लेकिन हिसाब से हमने क्या देखा उसको नल वेक्टर की तरफ सोचा अब आगे देखिए ये आता है को इनिशियल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर मतलब होता है जिसकी शुरुआत एक ही जगह से खत्म नहीं हो रहा है जीरो में खत्म भी उसी जगह पे हो रहा है जहां से शुरू वहां से खत्म और यहां पे क्या है एक जगह से शुरू हो रहा है इसलिए बोला जाता है को इनिशियल वैक्टर क्या बोलेंगे मैं उसको इज आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर तीसरा क्या है इक्वल वैक्टर जहां सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन भी देते हैं जहां मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे हमारे पास इक्वल वेक्टर क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर अब आते हैं यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है बड़ा समझते हैं टेक्निकली यूनिट वेक्टर का जो होता है मॉडुलस वन होता है अब कई बात लोग समझ नहीं पाते मॉडुलस वन तो नहीं आएगा यार कहीं सी में आता है मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर आपके लिए एग्जाम्पल लिया जैसे देखिए एक्साइज एग्जाम्पल एक वन में a वेक्टर i बाई रूट थ्री प्लस जे बाई रूट थ्री प्लस के बाई रूट थ्री एग्जाम्पल लिया है कि यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल और भी हो सकता है मैं नहीं कह रहा कि यही होगा दुनिया में समझाने के लिए तो मॉडल ए ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री सॉल्व करके क्या हमारे पास आंसर आ गया वन इज द करेक्ट आंसर क्या आ गया मेरे पास वन इज द करेक्ट आंसर ये हो गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू वन इसका मतलब ए जो है वो किसको क्या बोलेंगे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर है ये बात दिमाग में उठाइएगा अब यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका आर कैप है मॉडल आर वेक्टर आर अपर मॉडुलस आर ये लिखने का तरीका भी होता है ठीक फिर आता है पैरल वैक्टर पैरल वैक्टर क्या हमसे वैक्टर होते हैं ए भी अगर पैरल वैक्टर है तो ये याद रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ए अगर पैरल बी के है हमारे पास तो दोनों बराबर होंगे ना बराबर जरूरी नहीं है इनके बीच का एंगल जीरो डिग्री होता है इसका बीच का एंगल जीरो डिग्री होता है लेकिन ये बराबर नहीं होंगे नहीं ये डायरेक्शन में भी सेम होगा जरूरी नहीं है बराबर होंगे ये भी जरूरी नहीं है और डायरेक्शन में भी सेम होंगे ये भी जरूरी नहीं है ये दोनों बातें अपने आप को जरूरी साबित नहीं कराती है क्या नहीं कराती है जरूरी साबित नहीं कराती है अब बात करते हैं कुछ और बातें करते हैं ये हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर थोड़ा फार्मूला की बात करते हैं क्या है अगर हमारे पास ए और भी दो वेक्टर्स है तो हमारे पास एक स्केलर होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट स्केलर या डॉट हो गया ठीक है एक क्रॉस होता है एक डॉट होता है तो स्केलर की बात करते हैं देखो हमारे पास क्या मिलेगा वैसे आप लिखते हो मान लो इस तरह सोचो सबसे जरूरी चीज मिलता है ए डॉट बी लोग लिखते हैं मॉडलस ए मॉडलस बी कॉस थीटा इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि दो हमारे पास वेक्टर के बीच एंगल निकालने का जो तरीका है उसके लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं अब इस पर कुछ बातें करते हैं हम आपसे अगर मान लीजिए थीटा जीरो हो गया, तो सीन क्या होगा? अगर थीटा जीरो हो गया तो ए डॉट बी बराबर मॉडल ए मॉडल बी बराबर हो गया ये कब होगा जब हमारे पास पैरेलल होगा पैरेलल मतलब इसके एंगल क्या होता है जीरो डिग्री अब आता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का केस क्या होता है केस केस परपेंडिकुलर मतलब होता है ठीक है इसका मतलब होता है थीटा का मान 90 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री ए बी मोडलस ए मोडलस बी कॉस 90 तो ए बी ये किसके बराबर होगा जीरो के ये किसके बराबर मेरे पास होगा ये होगा हमारे पास ज़ीरो के इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ए और बी आपस में क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर होगा इसके हिसाब से इस चीज़ को आप इस तरह भी सोच सकते हैं समझ सकते हैं जान सकते हैं इसके हिसाब से इस चीज को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये भी हमारे पास एक काम हो सकता है इसके हमारे पास ये लिख सकते हैं साथ में कुछ क्रॉस पे भी लिखते हुए आपको ए क्रॉस बी जो होगा मॉडल ए मॉडलस बी साइन थीटा और साथ में इन वेक्टर का भी रोल प्ले करेगा ये भी चीजें आती है हमारे पास अब थोड़ा हम बात करेंगे वेक्टर और स्केलर के फॉर्मुलेज वगैरह पे बात करेंगे इससे हम समझ में आएंगे किसको लिए क्या क्या फॉर्मूला हम देखते हैं फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे क्या होता है समझते हैं इस बात को देखो ए वेक्टर बी वेक्टर अगर डॉट में है तो मॉडलर्स ऑफ ए मॉडलर्स ऑफ बी बराबर क्या होता है तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको इस तरह से यूज करते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बताया था ए ये हो गया मॉडल ए मॉडल बी होगा ठीक है थीटा अगर होगा तो हो मतलब लेके 90 डिग्री के बीच घूमेगा ड्रॉट होगा जीरो से बड़ा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में ध्यान से रखिएगा इस पर फोकस करना है ऑप्शन का मतलब क्या होता है नाइंटी से बड़ा

अब ये प्रॉपर्टी आ जाती है ए डॉट बी प्लस सी जैसे होता है ना हम लोग एलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ते हैं ब्रैकेट खुल गया तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहाँ डॉट के साथ है ये पॉइंट क्या लगना है तो ये ए डॉट बी ए डॉट सी उसी तरीके से हमारे पास अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे सी लगा दिया तो ए डॉट सी बी डॉट सी जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है भाई कोई बहुत कोई नहीं चीज़ हमारे पास है नहीं अब आता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ए ऑन बी बी ऑन ए भी हो सकता है लेकिन ए ऑन बी बोला है तो इसके लिए फॉर्मुला तो ये है लेकिन ये बना कैसे इसके लिए मैंने एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई कियापल देख लेते हैं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मान लो ये वेक्टर जा रहा है ऐसे तो इसका प्रोजेक्शन ये नीचे में पड़ेगा ये प्रोजेक्शन हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ए बी मॉडुलस ए थीटा होगा क्यों होगा अब आपको पता ही है कि इसका रीजन क्या होता है टेक्निकली अगर मैं थीटा लेता हूं तो थीटा आपको क्या देगा थीटा जो देगा आपको वह होगा ए बी के साथ क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए होगा ठीक है या हमारे पास क्या बोलोगे ए बी के साथ आप इस चीज को लिख सकते हो कि ए और अब जब मैंने इसको लिखा यहां पे इसके साथ कॉस्टिरा की वैल्यू मैंने उठा के यहां से टूट कर दिया जिससे क्या हुआ ए डॉट बी ए और बी आया तो मॉड ए और मॉड ए बी ए कट गया तो ए डॉट बी बचा मॉडुलस बी के साथ इसी को बोला गया ऑफ प्रोजेक्शन ऑन बी याद रखिएगा b ऑन a होता तो कुछ भी चेंज नहीं होता है ए डॉट बी ऐसे ही रहेगा नीचे क्या आ जाएगा आपका मोडलस ऑफ ए आ जाएगा बात समझ में आ रही है ऑन ए बी बोला है तो नीचे भी ऑन बी बोल ए बोलता है तो नीचे है। बस बाकी सही रहता है पोजिशन के बारे में ये कहते हैं अब आता है इसी का एक्सटेंशन रूल जिसको नाम दिया गया है कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर्स ऑफ ए अलॉन्ग बी तो उन्होंने ए डॉट बी बी अपॉन बी स्क्वायर हो गए ये कैसे हुआ इसके लिए सोचेंगे कुछ खास नहीं देखो जब तुमने इसको लिखा तो आप क्या करते ब्रैकेट में डालो और एक ये कर दो बी के साथ ये बी इंटू कर दो जब दो एक तरह से हमने किया तो ये है, दो बार इंटू होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा वही चीज आपको यहां लिख के दिखाया गया ये हमारे पास ये हो जाता है इसके बाद आता है वर्क ठीक वर्क विद वेक्टर होता है ये फोर्स है ये ए बी है ए और बी दो पॉइंट है मान लो किसको धक्का देखे वर्ड जिससे बोलते हैं धक्का देखे हम लोग पीछे कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं तो ए और बी तक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो डब्ल्यू बराबर एफ इन टू ए बी ये भी एक फॉर्मूला है ठीक इसको भी आप यूज कर सकते हो अब आता है डॉट प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई डॉट आई अगर मिल गया के डॉट जे के डॉट के मतलब सेम सेम अगर होगा तो ऑलवेज वन क्रॉस में उल्टा होता है उल्टा हुआ आई डॉट जे जे डॉट के आई डॉट के ये हमेशा क्या होगा जीरो देगा क्या देगा हमारे पास जीरो देगा परपेंडिकुलर के केस में तो मैं बता चुका था क्या है लेकिन अगर पैरेलल है दो वेक्टर्स तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू ये आपस में क्या होंगे अगर पैरेलल हुआ तो ऐसा होगा नहीं तो ये नहीं होगा तो याद रखिएगा ये रूल्स हमारे पास थे किसके वेक्ट हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के और अब आप कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात मैं करूंगा इसके बाद करूंगा तो आज हम यहीं तक रखते हैं अगली वीडियोस में हम क्रॉस से शुरू करेंगे और फिर क्वेश्चन भी कराना शुरू करेंगे हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बजाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमारे में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है और जो अच्छी नहीं लग रही वो भी प्लीज़ बताइए और इसी तरीके से हम, हम हमको सपोर्ट करते रहिए